तो तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं सिमर आरफ जो है वो जुदा हो गए हैं और आर... करवा चौथ के बाद दिवाली गई लेकिन उसके बाद भी जो आस है जो असलियत है वो आरब अभी तक स्वीकार कर नहीं पाया उसको उसके मोम के साथ उसकी बातचीत होती है वो कोशिश भी करता है स्वीकारने की एक्सेप्ट करने की रियलिटी को थ्रुत को लेकिन वो हो नहीं पाता जब उसे पता चलता है कि सिमर आई थी उससे मिलने के लिए और वो फिर बेतहाशा हो के नंगे पाव सड़कों पे भागता है जैसे कि आप देख सकते हैं हालत ख़राब है और आ, उसको ढूंढने के लिए लेकिन वो चली गई होती है दूर और गार्ड्स पकड़ के वापस लाते हैं सो so, जो हमने आरव ओसवाल को देखा है एज़ अमर यादा पुरुष एज ए गुड आइडियल पर्सन वो अभी uh, इतना मोहब्बत में वो दिलजला हो गया और हर्ट हो गया और एंग्री हो गया है कि वो uh, उसको सिमर के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता ना कुछ सुनाई देता है जी आ, मैं तो चाहता हूँ कि दादी और माँ को मनाया जाए पूरे ख़ानदान को मनाया जाए पर आ, मैंने दादी को वचन भी दिया है बड़ी माँ को कि कुछ भी हो जाए मैं सिमर आ, से प्यार नहीं करूँगा लेकिन एट द सेम टाइम अभी सिमर के जाने के बाद ये मुझे रिलाइज हो रहा है कि उससे इतनी बेपना मोहब्बत हो चुकी है कि उसके बिना ज़िंदगी गुजारा नहीं हो पाएगा ना गवारा है तो आ, और वो आज अरफ के दिल में भी है सिमर के दिल में भी है सिमर वो कह नहीं सकती क्योंकि जैसे ही उसकी शादी की बात होती है समर के साथ वो मना कर देती है वो खुल के बता नहीं सकती बट अरफ जो है वो खुल के बताता है लेकिन अपने परिवार से अपनी बड़ी माँ से वो जाके कह नहीं सकता ये क्योंकि उसे मालूम है कि ये इम्पॉसिबल है बट उसके बिना जी भी नहीं सकता आ, सो यह बड़े बड़ा इंटरेस्टिंग मोड चल रहा है सिमर अरफ से एक मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से नहीं मिल पाई क्योंकि जब माँ और अरफ की बातचीत चल रही थी तब उसका जो फ़ोन था वो बज रहा था लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं गया और वो फ़ोन कर रही थी अदिति जो थी सिमर के साथ और सिमर मुझसे मिलना चाहती थी और अदिति मुझे फ़ोन कर रही थी कि सिमर भाभी यहाँ पर है आप आकर मिलिए बट जब मालूम पड़ता है कि सिमर यहाँ आई थी तब तक, तक बहुत देर हो गई होती है एंड देन ऑल दैट Uh, जो आप देख रहे हैं कि भागता हूँ एंड टू सर्च फॉर हर कहाँ चली गई कहाँ चली गई सो so, सिमर और आरफ के जो चाहने वाले हैं uh, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि uh, मैं भी पर्सनली वेट कर रहा हूँ कि कैसे किस सिचुएशन में uh, किस कठिनाइयों का सामना पार करने के बाद सिमर औरव एक हो पाएंगे एंड पेशेंटली वेटिंग फॉर दैट एंड आई होप यू आर ऑल्सो लाइकिंग दिस ट्रैक पर हम मिलेंगे जल्दी ये तो आपको ही मालूम है पर कैसे मिलेंगे वो देखना इज़ विल बी इंटरेस्टिंग